हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब। आपका स्वागत है आपके चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पर। जैसा कि आपको जानते हैं, मेरा नाम विवेक मिश्रा और आप देख रहे हैं सबका प्यारा चैनल। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीन के तीनों वीडियो साथ साथ पढ़ाता हूँ। मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, फिजिक्स में हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा चल रहा है, और इसमें तो हमारा केमिस्ट्री में देख ही रहे हैं कि हम आज लाए आपके लिए राइटिंग फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी तक आपने देखा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे फार्मूला लिखा, नामन क्लेचर देखा था कि फार्मूला दिया जाता था, उसके बाद उसका नामन क्लेचर करना था। अब नामन क्लेचर जिसे नाम दे दिया जाए, उसके बाद फार्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये चीज देखना है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री भी मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री भी आप देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट चल रहा है। चलिए देखते हैं होता क्या है। नियम याद करेंगे, मैं जो लिख के आया हूँ पहले से ही कहेंगे कि सर जी पहले से आप बताऊंगा, सब कुछ लिख लिख के बताऊंगा, बढ़िया से याद करा दूंगा। पहले नियम आप याद करिए, नियम याद कर लेंगे उसके बाद सब कुछ याद हो जाएगा। पहले नियम है, पहला नियम इन्होंने दिया, इसका करने का नियम क्या था। पहला नियम यह है कि फर्स्ट राइट द फार्मूला ऑफ कीटायन फॉलोड बाय एनायन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो हमारा कीटायन प्रेजेंट होता है, जिसे हम दिखाते नहीं थे कि फोर CN का हो 6, तो इसमें केटायन क्या है हमारा K4, तो केटायन पहले लिखा जाता है क्योंकि हमारा पोटेशियम आगे लिखा भी जाता है, तो पहले हम किसका लिख लेते हैं, प्लस वाला। कौन सा लिखेंगे, प्लस वाला। अर्थात हमारा जब ये दिया रहेगा तो उसमें से हम पहले हम क्या लिखते हैं, केटायन फार्मूला बनाते हो, पहले क्या लिखेंगे, केटायन। अभी हम पूरा दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद सेकंड बात करते हैं कि सिंपल केटायन आर एनायन, जो सिंपल केटायन अथवा एनायन होते हैं, आर रिटेन एज द आयन ऑब्टेंड फ्रॉम द सिंपल साल्ट। मतलब जो सिंपल साल्ट से प्राप्त होते हैं, जो सिंपल केटायन और एनायन होते हैं, वो लिखे जाते हैं एज द आयन ऑब्टेंड, वो उस आयन के रूप में लिखे जाते हैं ऑब्टेंड फ्रॉम द सिंपल साल्ट, जो कि सिंपल साल्ट से प्राप्त होते हैं। मतलब जो सिंपल केटायन अथवा एनायन, सिंपल केटायन मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स ना हो, तो सिंपल केटायन आर एनायन आर रिटेन एज द आयन ऑब्टेंड फ्रॉम द सिंपल साल्ट। थर्ड हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है सब कुछ, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मिस कर देंगे तो आपको नहीं आएगा। तो लिखेंगे इन राइटिंग फार्मूला, फार्मूला जब हम लिखने लगते हैं ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन का जब फार्मूला लिखते हैं, आर मॉलिक्यूल आयन का या मॉलिक्यूल का, ये कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का जब हम फार्मूला लिखते हैं, लिगेंड एंड मेटल आयन आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। जो लिगेंड और मेटल होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, वो क्या होते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाते हैं। अभी तक आपने देखा था जब फार्मूले से क्या बना रहे थे, जब फार्मूला लिखा रहा था, जैसे दे दिया गया K4FeCN का हो 6, इसको बनाना है। अगर फार्मूला हमारा दिया गया है, उसको हमारा नामन क्लेचर करना था, पहले हम लिगेंड लिखते थे कि सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड लिखते थे, पिछली वीडियो आपने बढ़िया से देखी होगी। पहले हम क्या लिखते थे, लिगेंड लिखते थे, उसके बाद हम लिखते थे क्या, सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड अगर एक से अधिक है तो पूरा लिगेंड लिखने के बाद हम सेंट्रल मेटल एटम लिखते थे। उसमें भी ये बताया जाता था लिगेंड क्या होते थे, अगर एक ही प्रकार के, जैसे निगेटिव लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, आर पॉजिटिव लिगेंड है, अगर एक ही प्रकार के लिगेंड है तो वह अल्फाबेट के लिए आर्डर लिखा जाएगा, अगर वह अलग अलग प्रकार का है तो पहले हम लिखते हैं निगेटिव लिगेंड, फिर लिखते हैं न्यूट्रल लिगेंड, फिर आफ्टर इट हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिगेंड। यही तो हमारा रूल होता था, बट इसमें क्या है, जस्ट चेंज है, इसमें क्या होता है, चेंज होता है। पहले हम क्या लिखते थे, पॉजिटिव, तब न्यूट्रल, तब निगेटिव लिखते थे। उसमें क्या होता था, पहले निगेटिव, न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। अंतर सिर्फ इतना है कि ये फार्मूले से नामन क्लेचर में करते वक्त वो करते थे जो हम पहले फार्मूला बताते थे। अब क्या कर रहे हैं, नामन क्लेचर दिया रहेगा, नाम दिया रहेगा, उसके बाद उसको फार्मूले में चेंज करेंगे, चेंज भी कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। लिगेंड एंड मेटल आर रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर क्यों कहा गया, क्योंकि आप पहले जानते थे, पहले लिगेंड लिखते थे, उसके बाद क्या करते थे, लिगेंड का नाम लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे लिगेंड दिया गया है, पहले हमारा सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाता है, फिर लिगेंड लिखा जाता है। ठीक, कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, जैसे CONH3 होल थ्राइस CO3 ले लीजिए, यही देख रहे हैं, इसमें सेंट्रल मेटल एटम पहले आया है, पहले हमारा लिगेंड पहले आया है, पहले सेंट्रल मेटल एटम आया है। ठीक, समझ बात आ रही है, चलिए तो इस प्रकार करेंगे। और वो भी जैसे कि हमने बताया कि ये
रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर इंप्लाइज दैट फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ मेटल, पहले हम मेटल का सिंबल लिखते हैं जिसे हमने दिखाया अभी सॉरी CO कोबाल्ट का, तो पहले हम सेंट्रल मेटल आइटम लिखते हैं, जिस जो भी रहेगा हम सेंट्रल मेटल आइटम लिखेंगे, फिर आफ्टर इट लिगेंड, तब हम लिगेंड लिखेंगे, फिर द लिगेंड आर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ, जो लिगेंड होते हैं ये लिखे जाते हैं पहले पॉजिटिव फिर न्यूट्रल तब निगेटिव, अभी तक देख रहे थे जब नॉमेनक्लेचर जा रहे थे पहले निगेटिव का नाम लिखा जाता था फिर न्यूट्रल का तब जाकर पॉजिटिव का, लेकिन जब इसमें सिंबल के रूप में चेंज करेंगे पहले पॉजिटिव वाला तब न्यूट्रल वाला तब निगेटिव वाला, ठीक नोट कीजिए इतना। इसको 6 नियम है, 6 के 6 नियम अगर आपको याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। आइए 3 रूल और हैं देख लेते हैं कि द कॉम्प्लेक्स आयन इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, आप लोग जानते हैं जो पहले से ही जानते हैं कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर ही लिखे जाते हैं, और फिफ्थ होता है द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, जो कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज होता है इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर एट द मॉलिक्यूल सॉरी मेटल एंड द चार्ज एट द लिगेंड, मतलब ये जो इस पर जो चार्ज आता है जब चार्ज लगाते हैं तो जो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा रहता है पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं फिर मेटल एंड द चार्ज एट द लिगेंड, मतलब दोनों को ऐड कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर 6 है और लिगेंड पर -3 आ रहा है, 6 में -3 क्या 3 बचता है +3, तो इसी प्रकार हम लगाते हैं अगर हमारा लिगेंड ज़्यादा हो रहे हैं माइनस में आ जाएंगे, मान लीजिए उसके सॉरी अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो रहा है जैसे तो प्लस में आ जाएंगे, लिगेंड ज़्यादा हो रहे हैं माइनस में आ जाएंगे, जो भी आएंगे तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पर लिखा रहता है उसके बाद इस पे जो लिगेंड पर हमारे जो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जैसे मान लीजिए वहाँ पर करके लिखा नहीं जाता था 4th कुछ भी नाम लिख करके, तो यहाँ पर जैसे CO NH3 का होल थ्राइस Cl3 ले लिया गया, इस पर हम देखेंगे पहले कितना माइनस चार्ज आ रहा है तो तभी यहाँ पर लगाएंगे, NH3 देख रहे हैं ये 0 होगा तो 3 पर कोई होगा नहीं क्योंकि ये कंपाउंड है, Cl3 पर एक माइनस होता है तो 3 Cl3 बार है 3 times तो 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 है तो 4 - 3 बराबर 1 तो ये +1 चार्ज आएगा, इस प्रकार लिखते हैं, ठीक समझ में आया, अभी हम करके दिखा रहे हैं पूरा प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद क्या होता है केटायन एंड एनायन आर मल्टीप्लाइड बाय द सच ए होल नंबर सो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बिकम्स इक्वल, मतलब ये जो बताता है जो केटायन और एनायन होते हैं, केटायन और एनायन जैसे K4FeCl6 में देखे K3 में देखे तो K3 जो हमारा K4 है वो केटायन के रूप में हमारा जुड़ा है, तो केटायन हो या फिर एनायन हो इस प्रकार से उसका मल्टीप्लाई किया जाता है कि उसमें जो पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज बिकम इक्वल, क्योंकि जब आप लिखते हैं जैसे मान लीजिए यही लिए लिए रहे हैं K4 FeCn का होल 6, तो यहाँ पर जब इसको लिखते हैं तो क्या टेट्रा पोटेशियम लिखते हैं, हम जानेंगे K4 है नहीं लिखते, सिर्फ पोटेशियम लिखते हैं, जो पिछली वीडियो देखे होंगे जानते होंगे इसको सिर्फ ये लिखा जाता है कि पोटेशियम, इसका यही तो होत करते हैं पहले हम एनायन केटायन का नाम लिखते हैं, केटायन हमारे क्या है यही है पोटेशियम हेक्सा CN का साइनो फेरेट, जो भी इस पर माइनस चार्ज आए या प्लस चार्ज आए लगा देंगे, इस पर +2 है +4 ये फिर -6 ये 2 आएगा सेकंड, अब देख रहे हैं पोटेशियम लिखा जा रहा है, क्या जरूरी है कि K4 ही होगा, K3 भी हो सकता था K2 हो जा सकता था, लेकिन आया कहां से इसको बैलेंस ही करने के लिए, कैसे आया Fe 2 प्लस देता है ये CN -6 है -6 +2 -6 कितना हुआ -4 बचा, तो राइट जोड़ते जुड़ जाता हमारा, अगर निगेटिव जुड़ता पॉजिटिव जोड़ रहे -4 +4 तभी जाकर हमारा न्यूट्रल हुआ, इसी प्रकार हम करते हैं, ठीक अगर ये जो इससे ये बनाना जिसको ना आता हो वो पिछली वीडियो देख लेंगे पूरी पूरी बढ़िया से एकदम समझाएं, 2-3 वीडियो बनाए उसके लिए खूब बढ़िया समझाएं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ये देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे हमारा एग्जाम्पल मिला है पोटेशियम पेंटासाइनो कार्बोनिल फेरेट सेकंड, इसको कैसे करेंगे ध्यान समझेंगे कि पोटेशियम पेंटासाइनो कार्बोनिल फेरेट सेकंड, आइए देख लेते हैं इसको बदलेंगे कैसे, पोटेशियम हमारा क्या है ये, क्योंकि पहले हमारा एनायन ही लिखा सॉरी केटायन ही लिखा जाता है, पोटेशियम हमारा केटायन है,
अभी नंबर इसका ज्ञात नहीं कर सकते, पहले इसको लिखेंगे तभी नंबर इसका ज्ञात करेंगे, के फोर रहेगा, के थ्री रहेगा, के टू रहेगा, जो भी रहेगा देखेंगे आगे चल के। फिर पेंटासाइनो का अब इसमें रूल देखेंगे, ये तो हमारा बताया ही जाता है एनायन लास्ट में लिखा जाता है और केटायन पहले लिखा जाता है, ये तो हमारा एक रूल हो गया। फिर इसमें बताया जाता है पहले हमारा सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं, पहले हम लिगेंड लिखते हैं, पहले सेंट्रल मेटल एटम रूल देखिए, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, फेरेट, फेरेट क्या लिखते हैं फी। चलिए फिर बात आती है लिगेंड लिखने की, लिगेंड लिखेंगे पेंटा साइनो, साइनो माइनस आता है, सी एन पर माइनस ही तो आता है, और ये कार्बोनिल सीओ जो है, सीओ एक न्यूट्रल लिगेंड है, पहले न्यूट्रल लिखेंगे, पहले निगेटिव लिखेंगे, पहले न्यूट्रल लिखेंगे सीओ। फिर सी एन कितना है, पेंटा मतलब फाइव, कार्बोनिल सीओ लिखते हैं पेंटा साइनो। ठीक, अब देखेंगे यहां पर कितना प्लस सॉरी के का कितनी संख्या होगी, टू थ्री फोर फाइव की जितनी होगी हम देख लेंगे, यफी कितना दिखाएगा टू प्लस, ये क्या होगा जीरो ही होगा, ये माइनस फाइव दिखाएगा, तो ये आ गया माइनस थ्री। इस पर टोटल चार्ज अगर इसको हम हटा दें, पोटेशियम को हटा दें, इस पर माइनस थ्री चार्ज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ा है पोटेशियम, इसलिए यहाँ पर थ्री न लगा के इसे क्या जोड़ा गया है हमारा पॉजिटिव, तो केटायन जिसे बोलते हैं, तो इसे थ्री, थ्री इसलिए लगाए क्योंकि थ्री प्लस देगा, ये जो होता है पोटेशियम पर एक प्लस आता है, कैसे आता है दिखा दे रहे हैं, पोटेशियम का 19 होता है 1s2, या फिर यहां से डायरेक्ट लगा लो 2 8 8 1, दो आठ आठ एक बचा, तो एक ये त्याग कर देता है, या तो ये 17 ले तब जाके ये पूरा बनाएगा 18, या तो ये त्याग करे, 17 कौन देगा, एक त्याग कर देगा। ठीक, यही होती है वैलेंसी में, तो ये बन गया इसका। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, आइए इसका देख लेते हैं, डाइक्लोरो टेट्राइक्वा, एक्वा मतलब H2O, टेट्राइक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये कैसे होगा, तो डाइक्लोर पहले हम क्या लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारा क्रोमियम। एक चीज और ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद ये क्लोराइड लिखा गया, अर्थात ये हमारा एनायल लिखा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर के बाद, यही तो होता है, लिगेंड जितने होते हैं पहले लिख दिए जाते हैं, तो ये बाद में लिखा गया हमारा एनायन है। पिछली वीडियो जब देखेंगे, जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा, वो देखेंगे वो क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। पहले हम इसको लिखेंगे नियम के अनुसार, फिर क्या करेंगे डाइक्लोरो लिखेंगे, टेट्राइक्वा लिखेंगे, पहले हम न्यूट्रल लिगेंड लिखेंगे तब जाकर माइनस लिगेंड लिखेंगे, ठीक, टेट्राइक्वा लिखेंगे H2O का होल फोर, टेट्रा मतलब फोर, फिर डाइक्लोरो अर्थात Cl2, क्लोरो Cl होता है, डाइक्लोरो अर्थात ट्वाइस क्लोराइड है सीएल। अब देखेंगे सीएल की कितनी संख्या हो सकती है, एक दो तीन चार पांच छह कितनी होगी देखेंगे, सीआर यहाँ पर प्लस थ्री दिखाएगा, थ्री है प्लस थ्री तो दिखा रहा है हमारा, जैसे यहाँ पर एफ कितना दिखा रहा है प्लस टू दिखा रहा है, सीआर हमारा कितना दिखाएगा प्लस थ्री, प्लस थ्री, एस टू हमारा कोई दिखाएगा न्यूट्रल लिगेंड है जीरो, ये माइनस टू बचा क्या हमारा प्लस वन, ये का अगर हम यहाँ सीएल अगर हटाए होते तो यहाँ पर प्लस वन आता, जबकि यहाँ पर क्या जुड़ा है हमारा पहले से दिया गया है या क्लोराइड जुड़ा हुआ है अर्थात सीएल, तो यहाँ पर एनायन जुड़ता है तो एक माइनस होगा, अर्थात एक प्लस इस पर रहेगा एक माइनस, ये कट के जीरो हो जाएंगे। ठीक, इस पर दो माइनस दो नहीं लगाएंगे, सीएल टू नहीं लगाएंगे, सीएल ही रहेंगे। ठीक, अब थर्ड देख लेते हैं, ये समझ में आया क्लियर हुआ, चलिए आगे देखते हैं, आइए देख लेते हैं, लगभग लगभग सिमिलरली है, बस इतना अंतर आ रहा है इसमें तीन है इसमें दो है ऑक्सीडेशन नंबर, ये 300 कर रहा है और ये सिर्फ सिर्फ 200 कर रहा है, ये कर रहा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड और ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, इसका कैसे होगा आइए देखते हैं। पहले क्या लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा हमारा फेरेट या फिर, उसके बाद पहले पोटेशियम लिखेंगे क्योंकि पोटेशियम हमारा सबसे प्रथम पहले यही लिखा जाता है केटायन की, अब कितनी संख्या होगी ये इस पर डिपेंड करेगी, फिर हमारा सेंट्रल मेटल एटम, तब जाकर हमारा क्या आता है लिगेंड हेक्सासाइनो अर्थात साइनो तो रहेगा ही, हेक्सासाइनो अर्थात सिक्स, ये बना हमारा। अब यहां पर दिखा रहा है जो हमारा फेरेट है वो प्लस थ्री यहां दिखा रहा है, ये प्लस थ्री दिखा रहा है, साइनो पर कितना होता है माइनस वन, तो सिक्स माइनस हो जाएगा आया माइनस थ्री, आया कितना आया
माइनस थ्री आया। जब माइनस थ्री आ गया इस पे कितना जोड़े, कितना प्लस लगाए, प्लस थ्री। जब प्लस थ्री लगाएंगे माइनस थ्री तभी कट के न्यूट्रल होगा, जनरली सी बात है। ये के थ्री एफ सी एन का ओवर सिक्स बनेगा। ये क्या बनेगा हमारा, इसमें पहले पोटेशियम लगाएंगे के, हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट पहले लिखेंगे, हेक्सा साइनो लिखेंगे सी एन, साइनो हेक्सा है इसलिए सिक्स, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारा फेरेट है कितना दिखा रहा है, प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो हमारा प्लस टू दिखा रहा है। सी एन कितना दिखा रहा है, माइनस सिक्स, ये कितना बचा, माइनस फोर, अर्थात यहाँ पर प्लस फोर लगाया जाए। ये प्लस वन दिखाता है के फोर, अभी हमने दिखाया के जो है प्लस वन दिखाता है, अर्थात वन इंटू फोर बराबर प्लस फोर, माइनस फोर कट के न्यूट्रल हो जाएंगे। ये के थ्री एफ सी एन का हो सिक्स बना, ये के फोर एफ सी एन का हो सिक्स। चाप लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए। चलिए आइए तीन और लेते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे हमारा कह रहा है डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट एनायन, इसका कैसे करेंगे। पहले तो हम क्या लिखते हैं, सेंट्रल मिडिल टर्म हमारा अर्जेंटेट मतलब एजी हो गया सेंट्रल मिडिल, फिर डाई साइनो अर्थात सी एन डाई साइनो ट्वाइस होगा। अब यहां पर अर्जेंटेट कितना दिखा रहा है, प्लस वन दिखा रहा है, ये प्लस वन दिखा रहा है, और ये सी एन पर एक माइनस होता है, टू इंटू माइनस वन करेंगे माइनस टू आएगा, ये क्या बचा, माइनस वन बचा, इसीलिए लिखा भी गया है माइनस वन ही आ भी रहा है माइनस वन, और लिख भी दिया गया एनायन, एनायन लिखा गया है डायरेक्ट लगा दे एनायन, एनायन लिख, जरूरी नहीं था कि एनायन एक एनायन हो, दो तीन चार एनायन, माइनस थ्री भी हो सकता था, फिर भी तो एनायन ही लिखा जाता। आपको यहाँ पर करके देखना पड़ेगा, माइनस वन आ रहा है इसलिए माइनस वन, ठीक। कैसे होगा, अर्जेंटेट यहाँ पर दिखा रहा है प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर, सी एन पर माइनस वन होता है, टू इंटू माइनस वन माइनस टू बराबर कितना बचा, माइनस वन, इसलिए इस पर माइनस वन आया, ठीक। अब हम देखते हैं नाइट्रो पेंटामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का बारे में। इसमें कोई एनायन लगा है, एनायन लगा है, जो इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आता है वो एनायन होता है, जो पहले आता है वो केटायन होता है, केटायन मतलब प्लस, एनायन मतलब प्लस। केटायन याद कैसे किया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, केटायन मतलब देख रहे हैं ये प्लस साइन दिख रहा है, इसी से याद किया जाता है कि केटायन प्लस होगा और लास्ट वाला एनायन जो होगा वो माइनस ही होगा, ठीक। एक प्लस हो जा रहा है दूसरा माइनस होगा। नाइट्रो पेंटामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड ये कैसे होता है, इसको ध्यान समझेंगे। नाइट्रो पेंटामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पहले हम क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या हमारा कोबाल्ट, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो लिखेंगे पेंटामाइन, पहले ध्यान से समझिएगा, नाइट्राइटो लिखेंगे पेंटामाइन, क्योंकि ओएनओ जो होता है, ओएनओ क्या हमारा नाइट्राइटो, नाइट्राइट होता है, नाइट्राइटो क्या ओएनओ, तो ओएनओ इसको लिखते हैं। पेंटामाइन क्या होता है, पेंटामाइन एमीन पर क्या होता है, एनएस थ्री न्यूट्रल चार्ज है, अर्थात पहले न्यूट्रल लिखेंगे तब जाकर निगेटिव लिखेंगे, पहले न्यूट्रल एनएच थ्री कितना है पेंटा अर्थात फाइव, फिर नाइट्रो ओ एन ओ क्लोराइड भी हमारा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आ रहा है क्लोराइड, ये क्या होगा हमारा निगेटिव एनायन होगा इसलिए बाहर किया जाता है। अब देखेंगे सीएल की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर कोबाल्ट कितना दिखा रहा है प्लस थ्री, यहाँ पर लिखा रहता है कोबाल्ट कितना दिखा रहा है, एनएस थ्री फाइव पे तो जीरो दिखाएगा, ओ एन ओ पर एक माइनस आता है, ये कितना बचा प्लस टू, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए या तो इस पर प्लस टू आएगा अगर क्लोरीन ना होता, न्यूट्रल करने के लिए निगेटिव जुड़ा है इसलिए माइनस टू हो गया, सीएल पर एक माइनस आता है दो माइनस हो जाएगा प्लस टू माइनस टू, ठीक समझ में आया। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्लोरो साइनो नाइट्रो टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड, पहले क्या लिखते हैं कोबाल्ट, पहले कोबाल्ट लिखते हैं। अब बात करते हैं हम इसके बारे में, यहां पर देखेंगे NO2 हमारा नाइट्रो, ये भी माइनस चार्ज है, एमीन हमारा न्यूट्रल चार्ज है, साइनो भी न्यूट्रल चार्ज है, क्लोरो भी न्यूट्रल चार्ज है, अर्थात पहले कौन लिखा जाएगा एमीन, वो भी टेट्रामीन है, अर्थात NH3 होल फोर, सॉरी ट्राई एमीन है, थ्राइस होगा। फिर नाइट्रो लिख लीजिए NO2, NO2 ही तो होता है, फिर हमारा क्लोरो साइनो लिख लीजिए, क्लोरो साइनो लिख लिया, साइनो क्लोरो लिख लीजिए, इसमें बहुत अंतर नहीं है, साइनो क्लोरो लिख लीजिए नहीं क्लोरो साइनो जो इच्छा करें,
अब यहां पर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर थ्री, इसका देखेंगे कोबाल्ट प्लस थ्री दिखाएगा, ये कितना दिखाएगा एनएस थ्री जीरो, एनओ टू माइनस, एक माइनस ये दिखाएगा, एक माइनस ये, अर्थात तीन माइनस दिखाएंगे और थ्री प्लस दिखाएगा, प्लस माइनस करके जीरो हो गए, इस पर न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट से, कर लिए। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको इतना एग्जांपल देखने के बाद ये पूरा पूरा रूल समझ में आ गया होगा। अगर रूल समझ में आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप मुझसे पढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं, आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक कर लीजिएगा, लेकिन अपना और जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी पता चले आपको कैसा लग रहा है, किस प्रकार लग रहा है मेरा ये वीडियो, किस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, कैसा लग रहा है, पूरा पूरा मतलब आप अपना और जरूर दीजिए, चाहे अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ना अच्छा लगे डिसलाइक कीजिए। हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि वो भी जान सके हमारे बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल तो आपका ये आराम से पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीन के तीनों वीडियो, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ साथ, केमिस्ट्री में दो दो सब्जेक्ट चल रहे हैं, दोनों साथ साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बढ़िया से रिवीजन कीजिए।